Hey guys, welcome back to my channel. Welcome to the vlog. कैसे हैं आप लोग सब? मैं बिल्कुल ठीक हूं। आज के वीडियो में हम जो है क्लीनिंग करने लगे हैं, थोड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन करने लगे। मैंने बच्चों के लिए दो मैट्स ऑर्डर किए थे। मैं चाह रही थी बच्चों के लिए जो है थोड़ा सा जो है वो एरिया अलग से बना दूं, क्योंकि मैं जहाँ भी बैठती हूँ तो फिर ये बच्चों की थोड़ी सी एरिया वगैरह होना चाहिए। तो आज मैं क्लीनिंग कर रही हूँ और मेरे हस्बैंड जो है वो खाना बना रहे हैं। तो खाने में आज है वो हम आपको दिखाते हैं कि हलीम बन रहा है। सो गाइज, आज जो है वो हलीम बन रहा है। उसके लिए जो है वो प्याज कट रही है, बहुत ही मुश्किल सा हलीम है। और ये रहा वो हलीम ये वाला पैकेट यूज़ करें और ये बहुत ही क्विक सा इजी सा होता है। लेकिन ये है कि इसमें वो वाला स्टेप नहीं करना पड़ता जो जैसे दालों को और अलग से जो सब चीज़ें फ्राई वो भिगा के और जो है बनानी होती हैं, वो वाली काम ये कर देते हैं। बाकी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। तो इसके अंदर जो है वो दाल वाला मिक्सचर है और वो जो जौ का मिक्सचर होता है वो है। तो ये वाला बना रहे हैं, उसके लिए जो है हमें प्याज चाहिए। तो इस कढ़ाई के अंदर जो है प्याज फ्राई कर लेंगे। तेल जो है गर्म होने के लिए रख दिया है। ये एक तो पैकेट जो मसाले का होता है वो तो रेगुलर जैसे हलीम का मसाला होता है, ये वाला जो पैकेट होता है ना, जैसे अगर आप कोई हलीम बनाना चाहते हो इसके अंदर दालें हैं और जो जौ वगैरह सब कुछ है ना वो उसके अंदर ऑलरेडी ऐड हुआ है। सबसे पहले जो है वो हम प्याज ब्राउन करने लगे। मैं जो हूँ वो सफाई करने लगी हूँ और हस्बैंड खाना बनाने लगे हैं। तो थोड़ा सा मुझे टाइम मिला तो मैंने सोचा कि ये वाली क्लीन अप कर लेते हैं। तो लेट्स गो। सो ये जो है वो सिर्फ सुबह एक घंटे के अंदर अंदर ये सब कुछ फैल चुका है। तो ये वाला क्लीन अप कर रही हूँ। जो टॉय ऑर्गेनाइज़र है वो उसको मैं क्लियर अप कर दूँगी और इसी में सारे टॉयज़ वगैरह सेट कर दूँगी। ये इसी तरह के मैट मैंने ऑर्डर किए हैं तो वो जो है आ गए हैं। तो उसको मैं खोलने लगी हूँ और थोड़ा सा ये वाला एरिया जो है वो थोड़ा सा बच्चों के लिए बना दूँगी। और सो गोश्त का जो मसाला है वो मैं इंस्टेंट पॉट में करने लगी हूँ और इसके अंदर तकरीबन एक पैकेट मैंने डाल दिया है। वैसे तो दो बॉक्सेस यूज़ कर रहे हैं लेकिन हम एक ही पैकेट अभी डाल रही हूँ क्योंकि बच्चों ने भी खाना है तो ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। और इसको मैं करूँगी फिर तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर जो है वो इसमें हो जाएगा। सो इसमें पानी ऐड कर रही हूँ तो मसाला जो है वो तकरीबन आधे घंटे में हो जाएगा। उसके बाद इसको जो है बाकी मिक्सचर में ऐड कर देंगे जो दाल का और प्याज का मिक्सचर होगा। बैक टू क्लीनिंग। सबसे पहले जो है मैं सारे टॉयज़ वगैरह उठा के रख रही हूँ क्योंकि इतनी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि पता भी नहीं चलता और जो है वो इधर उधर फैल जाती हैं। तो बस वही मैं उठा के रख रही थी। तो जो है ये आ गई और कहेंगी मामा मैं भी आपके साथ करूँगी, आप कैच करें, मैं जो हूँ वो थ्रो करूँगी। तो इस बहाने जो है बच्चे एटलीस्ट जो है वो काम तो कर लेते हैं और थोड़ा सा जो है खेलने के बाद जो है वो सफाई भी कर लेते हैं। बस बच्चों के घरों में तो यही होता है कि हर थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ क्लीन अप होता रहता है। ये बड़ों को एडजस्ट करना पड़ता है कि बच्चे कहाँ टॉयज़ फेंक रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन ये है कि मैं थोड़ा रूटीन बना लेती हूँ कि जैसे अगर मैंने आज कर लिया तो कल नहीं करूँगी, तो फिर ये है कि सुबह कर लिया जैसे रात में नहीं करूँगी। सो गाइज़, मेनली मैंने जो है वो टॉयज़ वगैरह सारे हटा दिए। मीशू साफ़ करिए। वाओ, सो आई एम जस्ट गोना वाइप डाउन ऑल द टेबल्स एंड टीवी एक्सेट्रा। उसके बाद जो हम जो ये वाला एरिया है वो दूसरा एरिया वो कवर करेंगे। मैंने जो है वो आपको बताया था ना जो मैंने मैट्स ऑर्डर किए थे, तो वो बस मैं ओपन करने लगी हूँ। बॉक्सेस ओपन करके अमेज़ॉन से ही किए थे ऑर्डर मैंने। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तो सारी चीज़ें हम लोग अमेज़ॉन से ही ऑर्डर कर रहे हैं। उससे ये थोड़ी आसानी भी हो गई, वरना पहले तो जाके स्टोर में देखते थे कि चीज़ अच्छी है नहीं लेगी, लेकिन अब अमेज़ॉन से ही बाय कर रहे हैं। एक्चुअली टू हैं इसी तरह के, फुल साइज़ के दो अलग अलग हैं। तो ये कि मैं इनको हाफ ऑफ कर लूँगी तो ये निकल भी सकते हैं इस तरह, देखें इसको पूरा ये एक सेपरेट हो जाता है। तो ये कि आप जितना छोटा जितना बड़ा जिस तरह भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं। तो जी, सबसे पहले जो है वो मैं वैक्यूम कर रही हूँ ताकि नीचे जो भी कचरा पड़ा हुआ था, बच्चों ने जो भी गिराया था या हमसे जो भी गिरा था वो मैंने साफ़ कर दिया। जो ये मैट था वो अलग अलग जो है वो स्क्वायर्स में पैक हुआ हुआ था, तो उसमें था कि आप कलर कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं या आप जो हैं इसको सिंगल पीसेज में लगा सकते हैं या डबल पीसेज में लगा सकते हैं ताकि ये कि आप कॉर्नर्स भी बना सकते हैं। इसके साथ कॉर्नर्स भी आए थे लेकिन उसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी तो वो मैंने रिमूव कर दिए थे। एरिया जो है काफ़ी कवर कर चुका है, तो ये है कि इस एरिया में आराम से मैं उसको बिठा सकती हूँ और उसका सर जो है वो फ्लोर पे नहीं लगेगा। और जो बाकी बच गए थे ये इनमें से जो है वो थोड़े से बच गए हैं और एक पूरा सेट बचा है, तो वो जो है मैं दूसरी जगह रखने लगी। ये दूसरा एरिया मेनली हमारा डाइनिंग एरिया है, तो इधर टेबल वगैरह रखी हुई थी लेकिन ये कि थोड़ा सा स्पेस खाली था तो मैंने टेबल को थोड़ा मूव करके और स्पेस बना ली क्योंकि बच्चों को मुझे देखना होता है। तो फिर किचन में जैसे अगर मैं काम कर रही हूँ तो मुझे नज़र आते रहेंगे कि बच्चे क्या कर रहे हैं, वरना तो ये है कि फिर मुझे वहाँ से नज़र नहीं आता था और फिर बच्चे ये कुछ भी कोई काम कर रहे हो कोई हैज़र्ड हो सकता है। तो मुझे ये था कि मैं बच्चों को अपनी नज़रों के सामने ही रखूँ, तो जब तक मैं काम कर रही हूँ किचन में एटलीस्ट ये है कि मुझे नज़र आता रहेगा कि बच्चे क्या खेल रहे हैं और क्या कर रहे हैं।
तो इस वजह से मैंने छोटा सा एरिया बना लिया। सो गाइज ये वाला जो है काफ़ी एरिया को उसने कवर कर लिया है, तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि वो जो एरिया रह गया है ना तो उसके लिए भी एक और दो ऑर्डर कर देंगे। तकरीबन दो सेट थे अलग अलग, और ये क्या इजीली यहाँ पे वो खेल सकता है ना मिशू। बैक साइड थी उस पर मैंने जो है ब्लैंकेट से कवर कर दिया था और कुशन्स रख दिए थे, ताकि ये कि बच्चों को वो सॉकेट और प्लग्स पीछे जो हैं वो नज़र ना आए और हैज़र्ड ना हो कोई। और बाकी छोटे मोटे टॉयज़ जो बच्चे रोज़ खेलते हैं वो मैंने सारे सेट कर दिए थे। गाइस ये हो गया है मसाला जो है इसका हलीम का। अब ये गोश्त भी गल गया है सारा, तो अब ये वाला मसाला जो है हम प्याज में ऐड कर देंगे। प्याज भी ब्राउन हो गई थी, बड़ा पतीला ले लिया उसमें ऑलरेडी प्याज डाल दी जो ब्राउन हो गई थी। अब इसमें जो है मसाला ऐड कर दूँगी, मसाला जो है इसके अंदर बस ऐड करने लगी। अभी थोड़ा सा रनी है, लेकिन ये है कि जब मिक्स होगा तो सब चीज़ें जो हैं वो कहूँगी तो फिर मिक्स हो जाएगा। सो आज हम आराम कर रहे हैं और हस्बैंड खाना खा रहे हैं, मज़े का लग रहा है। इसमें दाल ऐड करनी है, जो गोश्त है ये बड़ा ही रहने देंगे, बाद में ये है कि बिल्कुल घुल जाएगा इसी के अंदर ही, वरना ये कि हैंड ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर लेंगे। अभी जो है इसके अंदर तो हमने वो ऐड कर दिया, तो ये ऑलरेडी पिसा हुआ था और फिर जो है भीगा हुआ भी था पहले से, सब इंस्ट्रक्शन में बस ये लिखा था कि इसको ऐड कर दें। तो पूरा पैकेट ही डाल दिया, तो हम लोग दो बॉक्सेस बना रहे हैं तो दो पैकेट डालेंगे, मिक्स कर देंगे और उसके बाद इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे और जो है इसको इस तरह मिक्स करेंगे कि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने, बाद में ये कि सब कुछ मिक्स हो जाएगा। चूल्हा ऑन कर लें वैसे, चूल्हा हमने ऑन कर लिया है और दोबारा से जो है वो मिक्सिंग कर लेंगे और सब कुछ मिक्स हो जाएगा। आपको क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? आर यू ओके? व्हाट हैपेंड? सो मिशाल जो हैं बोर हो रही हैं, मम्मा शायद क्लीन अप करा चुकी हैं, हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा आज क्लीन अप कर लिया है। ये जो है सारा टॉयज़ वाला एरिया क्लीन हो गया है और हमने काफ़ी ज़्यादा क्लीन अप कर लिया है ना मिशू। आई टायर्ड, मिशू ने बहुत काम किया है इसलिए मिशू थक गई हैं। अब हम रेस्ट करेंगे और हबी जो हैं वो खाना बनाएंगे, है ना भाई? हम लोग रेस्ट करेंगे। सो हम लोग जो है मूवी लगाने लगे हैं। वैसे तो अभी मैं सीज़न देख रही थी कोई सुपर गर्ल, हम लोग अब चिल करेंगे, है ना मिशू? मिशू चिल करेगी और हबी जो है खाना पकाएंगे, बस एंड टाइम पर हम जो है वो खाने पर बैठ जाएंगे। आज जो है मैंने सोचा क्लीन अप कर लूँ, क्योंकि टाइम मिल जाता ही है कि अगर जैसे खाने पे ही सारा टाइम निकल जाए तो फिर दूसरी चीज़ों पे टाइम नहीं मिलता। तो हस्बैंड ने सोचा कि आज मैं खाना बना देता हूँ और तुम थोड़ा सा जो है वो क्लियर अप कर लो या रेस्ट कर लो। नोआ जो है वो नैप ले रहे हैं, तो थोड़ी देर में वो भी उठ जाएंगे, चेक करते हैं उनको कि क्या पता वो उठ गए। सो मैं चेक करती हूँ, पता नहीं वो सो रहा है कि जाग रहा है। तो हम लोगों ने जो है घर में ये नॉब्स इंस्टॉल किए हैं, वरना तो मिशाल हर रूम में बाथरूम में घुस रही थी, तो ये है कि बस ये डोर नॉब्स के ऊपर लगा दो तो वैसे तो ये आराम से खुल जाते हैं, लेकिन बच्चों से जो है वो नहीं खुलेंगे इस तरह। हाय, अस्सलाम वालेकुम। जी हाय, थोड़ी थोड़ी आंखें खुली हुई थी, जाग लेती है ना मैं। सो ये उठ गए, हम लोग नीचे जा रहे हैं, टाइम से उठ गए। अब हम लोग नीचे चल रहे, नीचे चल रहे, आप जान पास जा रहे हैं। तो बस हम लोग मूवी लगाएंगे कोई डिज्नी की और हम लोग रेस्ट करेंगे, है ना मिशू? कम ऑन, अच्छा अच्छा अच्छा। थोड़ी देर के लिए ये एरिया क्लीन रहा है, उसके बाद ये जो है बस वैसे ही हो जाएगा, यही लाइफ है। तो खाना भी आज हस्बैंड बनाएंगे और बर्तन भी हस्बैंड धोएंगे, है ना भाई? हाय, व्हाट यू डूइंग? हाय, ओ जी, हलीम जो है मिक्स कर लिया, बस इसमें थोड़ा सा और गाढ़ा होने के लिए रखा है, बाकी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। चख लेते हैं चमचा ऊपर वाला, ये ज़बरदस्त सा हलीम तैयार हो चुका है, बस सर्व करने लगे हैं हम लोग। शक्ल तो अच्छी लग रही है। आपको मज़े का लगा हलीम? बाबा ने बनाया, अच्छा लगा? पापा नहीं, बाबा ने बनाया है, सरप्राइज। थैंक यू किया बाबा को, थैंक यू करो बाबा को, थैंक यू पापा जान। तो बच्चों को मैं जो हूँ वो पराठे के साथ दे रही हूँ, हम लोग जो है वो नान और रोटी के साथ खा लेंगे। अभी जो है वो चीज़ें वगैरह मैं नहीं डाली, लेकिन टेस्ट मुझे लग रहा है कि मज़े का होगा, है ना मिशू?
You like it? Nishu kut kha rahi hai? Ishu chosa se teri hai. Try karo. Chosa se. Okay. You like it? Thumbs up? Ishu chosa spicy kha rahi hai. Spicy kha rahi hai Mishu. Okay. Bye Ishu. See you later. See you later. Take care. Take care. Bye bye. Bye bye.